हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं नीली और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल थाई इंडियन लाइफ में। तो सबसे पहले आप लोगों को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो व्यूअर्स, आज है कार्तिक पूर्णिमा। दिस इज वेरी ऑस्पिशियस डे जहाँ हमारे इंडिया में बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान धरती पे पहली बार आए थे, तो इसलिए भी कार्तिक पूर्णिमा का यानी आज के दिन का इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है। आज के दिन लोग गंगा में नहाते हैं, उगते सूरज को जल चढ़ाते हैं, तो ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है हमारे इंडिया में कार्तिक पूर्णिमा। जस्ट उसके सिमिलर है थाई फेस्टिवल लॉय कथुंग, जो आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज वेरी ऑस्पिशियस डे। लॉय कथुंग जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा होता है यानी फुल मून डे, उसी दिन लॉय कथुंग भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता है, एवरी ईयर चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द फुल मून डे। द वर्ड लॉय इन थाई मींस फ्लोटिंग एंड फ्लोट, एंड कथुंग मींस अ लोटस शेप्ड बोट एंड बास्केट ट्रेडिशनली मेड फ्रॉम बनाना लीव्स। दे आर कॉल्ड लॉय कथुंग। जा रहे हैं लॉय कथुंग सेलिब्रेट करने के लिए। तो व्यूअर्स, अभी हम लोग हैं थाईलैंड के रयोंग प्रोविंस में, जहाँ थाई फेस्टिवल लॉय कथुंग सेलिब्रेट किया जा रहा है। रस्ते का क्राउड देख सकते हो गाइज, यहाँ पे रोड साइड मेला भी लगा हुआ है। खाने के यहाँ बहुत सारे आइटम अवेलेबल हैं, नॉट ओनली नॉनवेज, वेज ऑल्सो अवेलेबल है। व्यूअर्स, यहाँ पे छोटा सा पॉन्ड देख सकते हो, स्पेशली लॉय कथुंग के लिए डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे आके मुझे ऐसा लग रहा है मैं छठ घाट पे आ गई हूँ। हमारे बिहार झारखंड में छठ बहुत ही फेमस है गाइस, तो हमारे घाट को ऐसे ही डेकोरेट किया जाता है, तो मुझे यहाँ पे आके इंडिया की याद आ गई। व्यूअर्स, यहाँ थाई फेस्टिवल प्रोग्राम भी हो रहा है। ये लोग फेस्टिवल के थ्रू बहुत सारे चीज़ों का प्रमोशन भी करते हैं।
व्यूअर्स आप लोग देख सकते हो लंटेन डेकोरेशन कितना वाइब्रेंट लग रहा है। ये लाइट का फेस्टिवल है गाइज, तो इसे लंटेन फेस्टिवल भी कहा जाता है। जो जो इंस्टा लवर है गाइज, यहाँ पे सब रील्स बना रहे हैं, फोटो क्लिक करा रहे हैं, तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं सब। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। व्यूअर्स, जैसे हमारे बिहार में गमछा फेमस है, कोई भी शुभ काम में यूज किया जाता है, वैसे यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो गमछा लेने का रिवाज है। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं बनाना लिप से बना हुआ ये छोटा सा बास्केट है, जिसके टॉप पे कैंडल विथ अगरबत्ती लगाया हुआ है, जो ओनली 60 बाट में मिल रहा है गाइज, जिसको हम लोग अभी लेंगे और वाटर में रिलीज करेंगे। गाइज आप लोग वेबसाइट देख सकते हो, थाई पीपल बैठ के इसको बना रहे हैं, ये टोटली हैंडमेड है गाइज। तो फिर चले देखते हैं। लॉय कथन में मेनली
कपल्स ही वाटर में डेकोरेटेड दिए को रिलीज करते हैं, बट यहाँ पे सिंगल और बच्चे भी करते हैं। जय कीजिए कीजिए कीजिए। अब डाल दीजिए। ठीक है, हो गया, मैं तो ये कर दिया बाबू, ये तो टच कर दिया, चलो हो गया। อัมหา